सांसद खेल महाकुंभ पर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को मुद्दाविहीन कांग्रेस बताया है, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी के खिलाफ मुद्दा नहीं होने से अंधेरे में हाथ पैर मार रही है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि खेल महाकुंभ से खेलों को बढ़ावा मिला है और इस आयोजन से प्रदेश के 30,000 युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला है। शर्मा ने कहा कि खेल महाकुंभ के सफल आयोजन के चलते ही कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर का प्रयास खेल महाकुंभ के माध्यम से युवाओं को नशों से दूर रहकर खेलों में रुचि दिलाना था, लेकिन कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिलने की वजह से फिजूल के मामलों को लेकर बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में इसकी प्रशंसा होने पर कांग्रेस को खेल महाकुंभ से पेट में दर्द हो रहा है। प्रवीण शर्मा ने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर 26 अप्रैल को हमीरपुर में नामांकन पत्र भरेंगे और इससे पहले गांधी चौक पर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अलावा पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल और प्रदेश के आला नेता शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है, तो बयान के बाद एडवोकेट विनय शर्मा द्वारा सत्ती की जुबान काटने वाले को 20 लाख देने की बयानबाजी भी गर्मा गई है। हमीरपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने कहा कि जिस तरह से एडवोकेट कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए और बीजेपी इसका कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यह अशोभनीय है कि लोकतंत्र से जुड़े हुए एडवोकेट से इस तरह की बात कतई भी सहन नहीं की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने एडवोकेट विनय शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा कि कांग्रेस का इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इस बयान से कोई संबंध नहीं है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अनीता वर्मा ने कहा कि विनय की कोई अपनी भावना होगी और कांग्रेस पार्टी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। हिम गुरुकुल पब्लिक स्कूल लदरौर के प्रबंध निदेशक राजेश ठाकुर ने निजी स्कूलों पर आए दिन फीस वृद्धि को लेकर की जा रही बातों पर कड़ा एतराज जताया है। राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार को लग रहा है कि निजी स्कूल ज्यादा फीस वसूल रहे हैं तो सरकार निजी स्कूलों की सुविधाओं के अनुसार फीस तय करे। एच टूडी से खास बातचीत के दौरान राजेश ठाकुर ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार आए दिन औचक निरीक्षण करवा रही है, जिससे निजी स्कूल में शिक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ही निजी स्कूल एसोसिएशन ने डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था और इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार की नीतियों को न मानने की बात की गई थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अवहेलना कर रहा है और इसके लिए 22 अप्रैल को शिमला मुख्यालय में जाकर वार्ता की जाएगी। राजेश ठाकुर ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो सरकार को स्कूल की चाबियां सौंपनी पड़ेगी, क्योंकि अब हद हो चुकी है और स्कूल प्रबंधक पूरी तरह से परेशानी की दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है और अगर स्कूल बंद होते हैं तो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की बनेगी।
विवादित बयानों से देश भर में सुर्खियों में आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत्ती पर कार्रवाई को लेकर गत दिवस दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कुछ न्यूज वेबसाइटों ने सत्ती पर चुनाव आयोग द्वारा प्रचार पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाने की खबरें चला दी। इसके बाद कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी खुशी जता दी। उधर दिन भर कार्रवाई को लेकर चल रही अफवाहों पर भाजपा के पदाधिकारी सफाई देते नजर आए। हालांकि शाम को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया कि अभी तक सत्ती को लेकर चुनाव आयोग से किसी तरह का कोई निर्देश नहीं आया है।